यूपी समेत चार राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद राजस्थान में भी बुलडोजर की एंट्री हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, प्रदेश मंत्री मुकेश दादीच, विधायक मदन दिलावर, जयपुर शहर बीजेपी अध्यक्ष राघव शर्मा समेत पार्टी नेताओं ने बुलडोजर पर विजय जुलूस निकाला, साथ ही रंग गुलाल से होली खेली। हिंदू और राम के गीतों पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जमकर नाचे। राजस्थान बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाया गया। 5 में से 4 राज्यों में जीत का सेलिब्रेशन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने म्यूजिक की धुन पर नाचकर मनाया। बीजेपी ऑफिस कैंपस को नरेंद्र मोदी के कटआउट्स के साथ बीजेपी के झंडों से सजाया गया। इस दौरान गुलाल और रंग भी उड़ाया गया, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर जमकर नाच गाना किया। जीत से उत्साहित बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, यूपी की जीत में ही भविष्य में राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड जीत छिपी है। पंजाब को छोड़कर बाकी सभी जगह बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा है। हमें पूरा भरोसा है कि बीजेपी 4 राज्यों में बड़ी जीत दर्ज करेगी। पूनिया ने कहा, उत्तर प्रदेश पर पूरी दुनिया की निगाहें थी, वहां के परिणाम उत्साहजनक है। उम्मीद है कि बहुत अच्छे बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। रिजल्ट से संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस को पूरे देश में नीतियों, विचार और व्यवहार के आधार पर जनता ने नकार दिया है। हार से हम सीखते हैं और जीत के आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जिस पर पूरे विश्व की निगाह थी, एक किस्म से उसको प्रयोगशाला बना दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राजस्थान की इकाई की तरफ से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद ये सब मिथक तोड़ा और राष्ट्रवाद जिसको लेकर मोदी जी आगे बढ़े देश में, सुशासन और विकास जिस एजेंडे पे मोदी जी ने बहुत ग्रास रूट पर जमीनी तौर पर शौचालय से लेके, जनधन से लेके, राशन से लेके, आयुष्मान से लेके, उज्ज्वला से लेकर जो बदलाव की, बुनियादी बदलाव की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी और जिस तरीके से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बरसों बरस से चुनौती होती थी, उससे हर व्यक्ति पीड़ित था। योगी जी के 5 वर्ष के कार्यकाल में वो कानून व्यवस्था, उस व्यवस्था के कारण लोगों में भरोसा पैदा हुआ और उस भरोसे ने भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को और मोदी जी की नीतियों को वोट दिया। मैं ये मानता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से इस देश में जो बदलाव की शुरुआत हुई थी, क्योंकि 70 वर्षों की राजनीति में 50 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी को राज करने का अवसर मिला, 50 वर्षों में सिर्फ नारे लगाए, केवल भावनाओं को एक्सप्लोइट किया, इस देश में इमोशन और स्लोगन्स पे चुनाव होते रहे, गरीबी हटाओ का नारा लगा लेकिन गरीब हटा, गरीबी नहीं हटी, कभी सहानुभूति के वोट, कभी वोट बैंक की सियासत, कभी तुष्टीकरण की राजनीति, और इस देश में ध्रुवीकरण होते होते जनसंघ जिसके बारे में लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, 3 सीटें आई थी शुरुआत में, 3% वोट था और आज 303 के बहुमत तक इसलिए पहुंचे कि उपेक्षा, अपमान, संघर्ष, विरोध, तिरस्कार, इन सब परिस्थितियों से निकलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद का एजेंडा सेट किया जिस पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। दुनिया में तिरंगे का मान बढ़ा है। जो लोग मोदी जी की विदेश नीति की खिल्ली उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे, रूस और यूक्रेन के युद्ध में उस भारत की कूटनीति और विदेश नीति की ताकत का पता लगा होगा। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जीत इसलिए अहमियत रखती है। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक उत्तराखंड पर प्रश्न उठाते थे, गोवा पर प्रश्न उठाते थे, मणिपुर पर सवाल उठाते थे, आज जिस तरीके से रुझान बढ़त की हो रहे, मुझे लगता है कि देश में मोदी जी का नेतृत्व सर्व स्वीकार्य है और केवल दलगत नहीं, सर्व समाज ने, जो भारतीय जनता पार्टी कल्पना करती थी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी संगठन की और नीतियों की, उसको लोगों ने स्वीकार किया है। मैं इस जीत के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का इकाई का और तमाम राज्यों की उन प्रदेश इकाइयों का अभिनंदन करूंगा जिन्होंने अथक परिश्रम किया। भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर पर राजस्थान की इकाई ने हमारे बहुत ही योग्य कार्यकर्ताओं ने दो दो महीने तक पंजाब में और उत्तर प्रदेश में तो लगभग 150 से ज्यादा कार्यकर्ता 72 सीटों पर दिन रात परिश्रम किए हुए थे और हमें खुशी की बात है। मुझे भी आगरा, अलीगढ़ और मथुरा इन तीन जिलों में 36 सीटों पर जाने का अवसर मिला और मुझे जो जानकारी मिली कि उस क्षेत्र में 30 से भी ज्यादा सीटें हम लोगों ने एकतरफा जीत वहां हासिल की है। मैं पार्टी के तमाम लोग जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश जी, महामंत्री भजनलाल जी और जिनको कभी कांग्रेस के लोग कहते थे कि बीजेपी का नेतृत्व दोयम दर्जे का, उनको ये जवाब है। आज मोदी जी का वो नारा साकार होता दिखता है जब उन्होंने कांग्रेस मुक्त की कल्पना की और जब ये नारा दिया तो लोगों ने आलोचना की थी। इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक नीतियों के नाते, व्यवहार के नाते और विचार के नाते कांग्रेस पार्टी को लोगों ने नकार दिया है और इसलिए मुझे जो जानकारी मिली कि राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के धुआंधार प्रचार के बाद भी उनको वहां प्रचंड रूप से दो सीटों पर बढ़त बनाए हुए। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि कम से कम मोटरसाइकिल की सवारी तो उनके लिए बचे। ये देश का एक राजनीतिक ट्रेंड है और ये नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया है। दुनिया के सारे देश अपने देश से प्रेम करते हैं, माटी से प्रेम करते हैं, संस्कृति से करते हैं, इतिहास से करते हैं, विरासत से करते हैं। इसलिए राष्ट्रवाद के और हिंदुत्व की जो आलोचना राहुल गांधी जी ने की थी उससे लोग आहत हुए क्योंकि ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश शंकर का है। इस देश में सनातन परंपरा है कि हम लोग कभी राम का अपमान नहीं करते और ये जो कहा वो करके दिखाया कि अयोध्या के भगवान राम के मंदिर का निर्माण कदाचित शायद भगवान राम का आशीर्वाद योगी जी को और मोदी जी को मिला, उनकी नीतियों को मिला। तो मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की इकाई को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा क्योंकि मैंने वहां जमीन पर उनका परिश्रम देखा है और मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि जब पूरे देश में कहीं किसी कोने पर जीत होती है, कल एक आगाज हुआ था आसाम में 80 में से 72 निकायों पर एकतरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई थी। नॉर्थ ईस्ट का वो एरिया जहां कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी, तो इसका आभास हो गया था, लक्षण ठीक दिख रहे थे और जो तमाम राजनीतिक पंडित हैं जो इस बात का आकलन करते थे कि क्या होगा, किस तरीके होगा, वो सारी आशंकाएं निर्मूल हुई। और जब बहुत सुदूर जीत होती है वो किसी भी प्रदेश के पार्टी के कार्यकर्ता को आनंदित करती है, गौरवान्वित करती है, उत्साह भरती है। उत्तर प्रदेश की और इन तमाम राज्यों की जीत ने भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के एक एक कार्यकर्ता को उत्साहित भी किया है, ऊर्जा से स्पंदित किया है और ये आगाज है, एक संदेश है कि 2023 में अब ये मार्ग प्रशस्त हो गया कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, इसकी शुरुआत होगी। सर अरविंद के, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।